सीख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज के ब्लॉग में हम बनाना सीख रहे हैं कलेजी। तो कलेजी हमारी कितनी है, एक पाव कलेजी है। इसमें हमने अजवाइन और जीरा जो है वो कूट लिया बड़ी अच्छी तरह, और ये एक टीस्पून है जो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब साथ ही हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ टी स्पून। फिर हम इसमें डालेंगे सारे स्पाइसेस, जिसमें नमक है हसबे जायका, लाल मिर्चा है हसबे जायका, लाल मिर्चा हाफ टी स्पून, नमक है हसबे जायका और लाल कुटी मिर्चा हाफ टी स्पून। ये अब हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हाफ पेयर, ये क्या है, लेमन जूस। अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, ये हमारे पास दो टेबल स्पून है बड़े, जो हमने इसमें ऐड कर दिया। और अब हम इसमें डालेंगे हाफ प्याली दही, ठीक है। और अब हम इसे अच्छी तरह से मैरिनेट करके हाफ आवर के लिए रख देंगे, फिर हम इसे बनाएंगे, फिर हम इसे पकाएंगे, ठीक है। वो मैं आपको पकाते हुए फिर दिखाऊंगी। अभी हमने इसे अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और फिर हाफ आवर के लिए हम इसे फ्रीजर में रख देंगे, ताकि ये अच्छे से मसाला जो है ना वो इसके अंदर चला जाए। फिर हम इसे पकाएंगे और मजे ले लेकर खाएंगे। तो दोस्तों कलेजी को जो है वो भूनने लगे, उसके लिए हम ऑयल डाल रहे हैं फ्राई पैन में। एक प्याली ऑयल ले लें आप, और मीडियम आंच पर आप उसको गर्म कर लें, ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा मतलब लो हो, मीडियम आंच हो जिस पर आपने उसे गर्म करना है। फिर हम एक एक करके कलेजी की बोटी जो है वो इसमें डालेंगे और फ्राई करना शुरू करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो ये हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया, अब हम इसमें कलेजी की बोटियाँ डाल रहे हैं। बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है, बड़ी आसान सी रेसिपी है। इसका बस मसाला ग्रेवी या ये कह लेंगे जो इस पर जो मैरिनेट किया है ना, वो जितना टेस्टी होगा ना गोटियाँ उतनी लजीज बनेंगी, वो उतनी जायकेदार बनेंगी। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, ढक्कन लगा कर। तो ये देखें दोस्तों कलेजी जो है वो हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।